उन खंडों पे मन दमित होता के काम करेंगे, दो ताकतें काम करेंगे, ये भी मातने आप ही डाला है। पहले वो अपनी मस्ती में आप ही मस्त था, ना कोई खंड ब्राह्मण था, न त्रिलोकी थी, न त्रिलोकी नाथ था, न ब्रह्मा था, न विष्णु था, न शिव था, न गौरव था, न नाथ था, न कोई वेद थी, न कोई तेज, कुछ भी नहीं था। उन्होंने सब मानते हैं पहले तंदुकार ही था, पहले तंदुकार कुछ भी नहीं था, और वो नवे तंदुकार उसकी कोई मौज हुई कि मैं ऐसी रचना करूं, फिर चलाऊं, गहलोत हुई, प्रवास हुई। मुसलमान कहते हैं धन काफी कौन, तो जो सारी दुनिया बन गए। ने कहा है आलम असारेत कि सारी दुनिया का वास से पैदा हुआ है, उसे सारा नूर पैदा हुआ है। ईसा ने कहा है कि शुरू में वर्ड था, कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, कलाम ने सब कुछ बनाया, बगैर कलाम कुछ नहीं बना। ये हम कहते हैं क्या, जो कुछ हुआ हुक्म से हुआ, हुक्म हुआ नाकार, हुक्म न किया जाए, हुक्म हो जाए हुक्म ने बढ़ियाई, हुक्म कब्जा रहता है। जब बोले शब्द शब्द धरती शब्द आकाश शब्द शब्द प्रकाश, शब्द की लहर को कहते हैं नाम, नाम के धारे सगले जन, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। पहले वास हुई, उसे दो ताकतें पैदा हुई, काल अकाल, खस का किरना, ये प्रपच बदावन। अकाल वो ताकत है जिसको हम अकाल पुरुष कहते हैं, सतपुरुष कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, जो हमेशा कायम है, जिसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आई, जिसके मतलब नान सा ने कहा आज सच जुग आज सच है कि सच नान को सी सच। काल का दायरा सुना तक का है, उसको रचना करने का हुक्म दूर है। खंड पाताल दीप सब लोहा, सब काले व साफ प्रभ किया, निचल एक सदा विनाशी, सो निचल जो तिस कहेंगे। ताकि वहीं से मिलती है, उसको रचना का हुक्म दिया है, अब उसने चलाना है। उसने चलाने के लिए क्या किया है, जीवों को लेकर क्या किया हुआ है, पहले कार्यशील है, उसके साथ हम कर्मण्डल में काम कर सकते हैं, उसके ऊपर सूक्ष्मशील है, उसके साथ सूक्ष्मण्डल में काम कर सकते हैं, उसके ऊपर स्थूलशील है दुनिया में काम करने के लिए, और विषय लगा दिए, इंद्रिय लगा दी, और मन लगा दिया। ये मन काल के एजेंट है, इसका काम किया जीव को भ्रमाना और भटकाना, और कोई काम नहीं, हमें तो अनेकों काम है, इसको एक ही काम है, जीव को भ्रमाना और भटकाना, ताकि कोई जीव वापस ना चला जाए, इसका काम यही है। सब कहते हैं मन मैंगल शक दीवाना, बनखंड माया मोह हैराना, इत चाले काल के चापे, गुरु खोज ले कर आपे। एक मन, ये मन मस्त हाथी की तरह है, जो मोह माया और विषय विकारों के जंगलों में भटक देता है, कभी स्त्रियों का प्यार, कभी बच्चों की मोहब्बत, कभी नाच, कभी रंग, कभी तमाशे में फिरता है, कभी कौमों वसों के बखेड़ों में, कभी देशों के बखेड़ों में उलझाए फिरा है। इत चाले काल के चापे, ये काल के दबाव में, उसके हुक्म में है, इसे बिरले के रूप में इसको काबू किया है, और उसने चलाने के लिए क्या है किया है, तो विषय लगा दिए और पाप उनका जाल डाल दिया। पाप उन बीज की पोट, ये बीज है जिससे नहीं चलती है। ये महात्मा चरणदास कहते हैं पाप उनके सत्य ठहरा ब्रह्मांड, इन दोनों के मिट्टी उत्खंड उखंड, विले जन को होता पाप उनकी सूझ, सूत्र पहुंचा से पौते है रोज, सारी दुनिया सिंह जी पड़ी है पाप अर्पण में। पाप को सबने बुरा कहा है, फिर पुण्य को भी कहा है, सोच लो
भगवान ने कहा है अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही हथकड़ियां हैं, दोनों ही बेड़ियां हैं। एक लोहे की समझ लो, एक सोने की समझ लो। है तो बेड़ी, किसी को फर्स्ट क्लास जेल मिल गई, किसी को थर्ड क्लास मिल गई, किसी को सेकंड क्लास मिल गई, रहा तो जेली का जेली, छुटकारा तो ना हुआ। बुरे कर्म किए, नरकों में गया, गंदी चुने में गया। अच्छे किए, अच्छी चुने में गया, स्वर्गों में गया। स्वर्गों के सुख भोगे, अच्छे कर्मों का फल खत्म हुआ, फिर चौरासी त्यौहार है। जो कि काल के अंत ना जीवे कोई, तो भी हो गए नाश ब्रह्म के संग ही। जो कि देवन के माही जाके फिर तो भी ना छुट्टे कर्म मुक्त करना रहे, फिर भी मुक्ति नहीं। हम भी रोज पढ़ते हैं इंद्रपुरी में सिर्फ परमाना ब्रह्मपुरी नीचे निरण शिवपुरी का है काल त्रय गुण माया बताना। ये कृष्ण भगवान ने कहा है कि हे दो, ये जो कीड़ा जा रहा है ये कई दफा सुर राजेंद्र बना, कई दफा शिष्य का कर्ता ब्रह्म बना, आज ये कीड़ा है। सोचना जरासी खत्म, इसी तरह चक्कर खाद में पड़ा है। त्रिलोक की तक यही हाल है। माधव जी जिनसे कहते हैं तो पी हजाए पुकारे पंछी नावे रोए, तीन लोग फिर आया हूं बिंदु न कोई, कि मैं त्रिलोक की तक देख रहा हूं सब जीव इसी दुखी हैं, कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। तीन लोग कर्मन के बस में जो जो जन्म धरे, दस अवतार भावी के बस में सूर सूर दुख रहे। यदि हम हर महीने पढ़ते तो हैं पर कोई बेचारा नहीं। कृत कर्म के बिछड़े हर प्रभ मेलो राम, चार कूट दर्द इस भर में थक काय प्रभ की शाम। कर्मों के जाल में फंसे हैं, इसी से धक्के खा रहे हैं। हमारी हालत क्या है, दीन दुदे दे बाहरी किसे ना आवे काम, जरविन साख तुम लावती उपजे नहीं ना। कि जैसे गाय दूध नहीं देती उसको अच्छी तरह कोई चारा नहीं देता, पानी भी नहीं पिलाता, हमारी हालत ऐसी है। जैसे पानी के बगैर खेती खराब हो जाती, हमारी हालत ऐसी भी धक्के खा रहे हैं। छुटकारा है, ऐसा फंसाया उसने कि निकलना रहा नहीं छोड़ा। तीन लोग का पिंजरा गया, पाप अंदो जाल, सकल जीव सब गए एक ही काल, सब कुछ का कर आया, किसी को नहीं छोड़ता। यही मुसलमान की ने लिखा है अवारगी निमिशुदा खाना परमोशुदा अगंदा पीर कावली बस सैर कर देता। कि उस जादूगर ने काल ने ऐसे जादू डाला है कि निकलने का राह नहीं छोड़ा। हमारे कर्मों में अवारगी का दर दर भटना लिखा है। सोच लो इसे धक्के खा जुग जुग बीत गए, महाजाल में फंसा हुआ है। जो जेली है उसको भी सुख हो सकता है। हम जेल में तीन जेलों में आए, वो बोले तो अंदर सुखिया। हाँ सुनो क्या कहते हैं कबीर साहब। हाँ तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। मुझे आस की बात कहती है सबका किया बवेका हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। बाड़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी। सुखदेव अचारज दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे कोई मैल नहीं सुना हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। Thank you.
सच कहूँ तो सच कहूँ तो कोई न माने झूठ कहा नहीं जाई रे। सच कहूँ तो कोई न माने झूठ कहा नहीं जाई रे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह जलाई हो, तन धर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो। अब दुखिया अब दुखिया भूपत दुखिया रंग के दुखी व प्रीति हो। अब दुखिया भूपत दुखिया रंग के दुखी व प्रीति हो। कहीं कबीर सकल जग दुखिया संत सुखी मन जीती हो, तन धर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो। कौन सुखी है? संत सुखी मन जीती हो, जिसने मन को जीत लिया वो सुखी है। मन के दायरे से निकला, सारी दुनिया मन के मतहत है, सबको नचा रहा है, ये सब दुखी हैं। बीमारी तो बड़ी ये है, इसको अब करें सारे तन के दुख के लिए सारे पीटते हैं। देख लो ये बीमारी है, जब तक ये नहीं हटती जब तक सुखी नहीं। जिन महात्माओं ने मन को जीता वो मर के दरगाह में पहुंच गए। जब हम पहुंचे वहां खुशी शांति आनंद और प्रेम को देखा तो उनके इस दुनिया में आने को दिल नहीं करता। गुरु गोविंद सिंह लिखते हैं, एविद कर तपस्या भ्यो दो ते एक रूप हो भ्यो, कितना भ्यो हमरा आवन को चुभी रही सुर प्रभु चरणन में। जो होते हो प्रभु हमको समझायो, इनके के लोग उठायो। कि पहले मैं मर्द से लग था, भक्ति करके मर्द दरगाह में गया, वहां खुशी शांति आनंद और प्रेम को देखा, मेरा इस दुनिया में आने को दिल नहीं करता था। कौन छोड़े इस तो खुशी को? लेकिन मालिक ने जैसे तैसे समझा के भेजा कि तेरा काम तो बन गया। उनको भी समझा, शायद कोई मान जाए, ऐसे फंसे हैं कि तेरा जो बात ही कोई सुनने नहीं देता, मन ये ऐसी भला है। क्या कहते हैं ये शम्स प्रेत कहते हैं, जब वो मालिक दरगाह में गए क्या कहते हैं वो मालिक दरगाह में गए हैं, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, कोई सवाल नहीं। सवाल तो मालिक दरगाह में जाने का है, उल्टे झगड़ों में पड़ा है। हाँ जी हाँ जी। शम्स तबरेज साहब फरमाते हैं कि तुम क्या जानो हम कैसे मुर्ग हैं, अंदर ही अंदर हर लम्हा हर पल हम क्या इच्छा रखते हैं। बाहर से देखने में चाहे हम इस दुनिया में फकीर मालूम देते हैं, हमारी बड़ाई अंदर जाकर देखो कि हम कैसे बादशाह हैं। बाहर से चाहे हम कंगाल मालूम होते हैं, तुम हमारे अंदर झांक कर देखो कि हम कैसे खान हैं। हम खुद खंडों ब्रह्मांडों के बादशाह हैं, हमें क्या गम है। अगर हम आज इस कैद खाने शरीर में कैद हैं तो कब तक रहेंगे। हम सब ही इस जगह मेहमान हैं, हमारा इस जगह इस दुनिया में आना अपने बादशाह के साथ एक इकरार की वजह से है जिसे हम निभा रहे हैं। सोच लो क्या कहता है, कि दुनिया में आना अपने बादशाह से करार की वजह से जिसे निभा रहे हैं, निभाना नहीं चाहते। हाँ हाँ जी। जब तक हम इस गुदड़ी शरीर में हैं, हम किसी को नाराज नहीं करते और न ही नाराज होते हैं। सबसे हाथ बांध बांध के गुजारा गिरा। हाँ जी। फिर दोस्त की तरह हम पुरनूर हैं, हम प्रसन्न हैं, खुश दिल हैं और खुश खलक हैं। ये नाम सब कह रहे हैं, फिर बोल रहे देख बेहतर। हाँ
सिख बोही थाला दिया दिया समुद्रम झार दिया समुद्रम झार कंधी दिस न आवई नाव रे वार न पार नाव रे वार न पार। आप मानते हैं इस सारी दुनिया मन रूपी जहाज में बैठी है, पापों और पुण्यों का माल भरा हुआ है, संसार समुद्र में रुड़ी जा रही है। समुद्र कैसा है? जिसका कोई किनारा सही नहीं, ना अगला ना पिछला। कोई नहीं कह सकता कब दुनिया बनी कब खत्म होगी। अगर ऋषि मुनियों ने परले महापर्णों के हिसाब लगाए हैं, लेकिन ये किसी को पता नहीं कितनी परले महापर्ले हो चुके हैं और कितनी और होंगी। सब कहते थितवार ने जो भी जाने, थितवार ने जो भी जाने, शब्द लिखा है रुतमा न कोई जा करता सिठी को साजे आपके जाने सोई। कि जिस मालिक ने ये दुनिया बनाई उसी को पता है। अब जिस समुद्र के किनारे का ही पता नहीं, उसके पार लगने की सूरत ही क्या है सोच लो। हाँ आगे क्या कहते हैं? हाँ बंजी हाथ न खेवटू जल सागर असराल जल सागर असराल। असराल क्या? प्यानक, समुद्र प्यानक है। समुद्र प्यानक किनारा है नहीं, बाहर के समुद्र हैं, उनमें जहाजों के साथ कप्तान है, दरियाओं में किश्ती हैं, उनके साथ मल्लाह हैं, मल्लाह के हाथ में बांस है, बांस से वो देख लेता कितना पानी है, किश्ती को पार लगा लेता है। लेकिन हमारी किश्ती के साथ ना कोई मल्लाह है ना उसके हाथ में बांस है, ऐसी रूढ़ी जा रही है। पूर्व से हवाई पश्चिम को चलेगी, पश्चिम से आई पूर्व को चलेगी, उत्तर से आई दक्षिण को चलेगी, दक्षिण से आई उत्तर को चलेगी, इसे धक्के खा रही है। क्या मतलब? मन तरह तरह की तिरंगे उठा रहा है, कभी कुछ बनता है कभी कुछ बनता है, कभी शराबों खाबों में कभी विषय विकारों में, कभी दृष्टि बनता है कभी त्यागी बनता है। महात्मा चरणदास कहते हैं कभी ये मन होवे गिरी, कभी ये मन होवे गिरी, कभी ये मन होवे रोगी, कभी ये मन होवे सोगी, कभी ये मन लुका ऊंचा, कभी मन नट्टा पूछा, कभी मैं द्वंद मचावे, कभी शीर्ष मांगर आवे। बहुत रूपी बहुत रंगिया बहुत रंग चाव, बहुत बात संसार में कर कर करे पाओ। अनेकों रंग खेलता है ये मन, करे त्याग की बातें ये मन, करे जीत की बातें ये मन, जति सती और सूरा ये मन, काशी पंडित पूरा ये मन, प्रेमी नेमी जानी चरणदास के सब कुछ सब मन के खेल है। आप सब कुछ बन जाए सब यही कहते हैं मन के मारे बन गए बनता बस्ती माए कहें कि क्या कीजिए मन ठहरे ना है। कभी कदा गृहस्थी तंग हुआ बन चला गया वहां से फिर उठी किस फिर भागता है इसे धक्के खा रहा है। हाँ जी वंजी हाथ न खेवटू जल सागर असराल जल सागर असराल जग फाथा महाजाल बाबा जग फाथा महाजाल। अफसोस सारी दुनिया एक महाजाल फंसी हुई है, इतने धक्के खा रही है। अब अफसोस ही करते हैं क्योंकि लाभ भी खुद रास्ते बताते हैं। क्या कहते हैं आगे? हाँ गुरु पर सादी उबरे गुरु पर सादी उबरे सच्चा नाम
कतर सतुर मेर करे, वो सतुर एक ही है जो चिड़ाने वाला है, जिसको अकाल पुरुष कहते हैं, जिसको सतपुरुष कहते हैं। जिसमें आता काल अकाल खसम का कि नए प्रपंच बतावन, वो सब ताकत है, शब्द रूप में सबके अंदर व्यापक है। उसका रूप क्या है? शब्द कैसे है? हम प्राइम मिनिस्टर बोले, एक मिनट में बात सब जगह फैल जाएगी। जिन अफसरों से तल्ले के वो काम करने लग जाएंगे, वो तो वहां बैठा है, किसने काम करवाया? उसके आवाज ने, उसके शब्द ने। इसी तरह सदगुरु की आवाज का, शब्द का, सब जगह शब्द धरती शब्द का शब्द शब्द प्रकाश। गुरु का लफ्ज त्रि धाती से निकला, जिसका मतलब शब्द। सदगुरु का मतलब सत शब्द, सतलोक से आ रहा है। वो शब्द रूप में व्यापक शब्द की लहर को कहते हैं नाम। उसी ने सारी रचना की है, उसकी जो सबके अंदर काम कर रही है, जिसके मतलब गुरु से निकला है। एक ही की सेव सभी को गुरुदेव, एक ही स्वरूप सब एक जो जान हो, जिसकी जो सबके अंदर काम कर रही है, जिसके मतलब कभी सर ने कहा है आपके दारमदारी मेरा सदगुरु आपके खेल खिलारी हो। गगन मंडल का तंबू तनाया, धन गलीचा डारी हो, चांद सूरज दो मसाल बना दी, तारों की फुलवाड़ी हो, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, आप बने खुद माली हो, सब कुछ सुंदरता है। उन्होंने जोत कह दिया, उन्होंने पेड़ पेड़ में पानी लगा दिया, कह दिया। उसी ने काल को ताकत दिया, अगर वो मेहर करे। ये गुरु नानक साहब ने जगह लिखा है, जुगा जुगंतर सतगुरु दूसरू न हो, एक ही सतगुरु है। चौरासी जामे पहन के पछे हुए लोग, उसने कल युग में 84 जामे पहने हैं, 70 जामे संत जन, 14 सतपुर राय, गुरुमुख से मिल रहे, मन मुहिले सजाए, पर बेड़े ले जाएंगे संत जन के पूर, बेमुख तुटे तुट मुए मन हुन भय कूर। क्या वो खुदा है कि अपने गुरुखों को ये यूज किया? ये दात उसे अपने हाथ में रखी है। अगर वो मेहर करे, कोई गुरु मनावे, वो गुरु कहेगा कि तेरा सदगुरु तेरे अंदर है, तेरे अंदर सच्चा नाम है, उससे तलक जोड़। हमें नाम का पता नहीं, हर एक मजहब अपने अपने नामों को सच्चा नाम बताता है। कोई कहता राम है, कोई कहता सौंग है, कोई कहता अल्लाह है, कोई कहता वागरू है, ये लफ्ज है। वो एक शक्ति है जो रचना करती है, नाम के धारे से ले जाए, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। वो लिखने पढ़ने की चीज नहीं, किन बन छाया माया नाम शब्द पिछाने, शब्द शब्द सबको है भाई, तो शब्द दे जी बापर आवे निरख पर कर ले। एक पड़सन का नाम डोरा गुप्त को नहीं जानता, नेचर निरूप दृष्ट नहीं आता, वो लिखने पढ़ने की चीज नहीं, वो इस दुनिया में है ही नहीं, सबके अंदर ही अच्छा है। इस जग में नाम अलग है ही नहीं, गुरु हसे मनाए, गुरु मत नगरी खोज के जाए, हर नाम पदार्थ पाई उसके अंदर जाकर मिलता है। वो गुप्त वस्तु है, गुप्ता नाम भक्ति बिच कलयुग कटकट हर भरपूर है, कुटी नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आज नाम जो गुप्त है वे सब कहते हैं बुझे बिरला कोए, वो अनुभव की चीज है। गुलाम साहब मिठन कोट गए, वहां मियाँ मीठा फिर मिला, वो कर्मी धर्मी था। गुलाम साहब ने फरमाया, मियाँ मीठा सच्चे नाम की भक्ति के बगैर जीव का कल्याण नहीं, जीव बंदरों में रहता है। हम भी रोज पढ़ते हैं, कर्म धर्म सब बंधना, पाप उन संबंध, ममता मोह सब बंधना, पुत्र सावधान, जान देखा था जूरी माया का संबंध, नानक सच्चे नाम बिन बरत बरते अंत। कहने लगे सच्चा नाम क्या चीज है? सच्चा नाम एक मूर्त वास्तव जो कहने सुनने से परे है। कहने फिर भी बताओ तुझे कैसे पता चले कि वो अनुभव ही चीज है, बताने की चीज ही नहीं, फिर कैसे पता चले? एक तरफ ले गए, अब कर्म धर्म से हृदय साफ हो जाता है, हृदय साफ था, चीज डालने की जरूरत थी, जरा तवज्जो थी, तो कहने लगा मुझे ऐसे मालूम होता है कि मेरे रोम रोम में नाम की लहरें चलती हैं, रोम रोम रवे हर नाम, सदगुरु पूरे तीनों दान। इस नाम को प्रयोग करना ये असली भक्ति है, ये सबसे ऊंची भक्ति है, बाकी काल के दायरे की हैं।
सब ये कहते नेम धर्म आचार यज्ञ तप योग्य व्यवहारा जा से मिले अखंड मोक्ष से सो मार गए न्यारा काल जाल से बंचा चाहो कहो शब्द तत्सारा कहें कबीर अमर कर रखो जो प्रकट सारा शब्द कहो नाम कहो जिसली भक्ति है शुद्ध शुद्ध तत्व विचारी पति से पूरी कहो नानक एक राम नाम बिन अवश्यूरी को नीचे दर्जेगी। यही गुरु अमरदास ने कहा है। गुरु अमरदास 72 साल की उम्र तक जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। गंगा स्नान को एक बार गए त्रिवंग साहब की शरण में आए वहां कड़ी सी कड़ी सेवा की रात को किले से केस बांधने फिर बाल की प्राप्ति की नतीजा क्या देते हैं हर की पूजा दिलम वह संतो कहना कछु न जाई संतो गुरु पूरा पाई नाम पूज कराए कैसे सारी दुनिया माल की पूजा करती है। जो असली पूजा है वो मिलनी दुर्लभ है तो क्या है पूरा की मिले पूरा गुरु मिले तो कहेगा तेरा सर्व तेरे अंदर सच्चा नाम है उसकी पूजा कर उसको प्रकट कर ये असली भक्ति है। ये जन्म के बंधन जिया रे वाला नाम का और ये कर्म क्राम तेनवे भाव चाम का बाकी कुछ निकल जरूर जमीन से क्या जाएगा इससे डरता है बाकी नाम की भक्ति से। यही कि जगदीन सब की रूप से लिखा है मन में समझ भजो रे भाई बिना नाम नहीं सुख पै हो छोड़ दो गफलाई ये दर्शन में लिखा है। नाव रे सकल श्रोमणी नाव रे ये सबसे ऊंची है। सोचो क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई सब एक ही तरीके से पैदा होते हैं सबकी मौत का भी एक तरीका है देख लो फिर माल के मिलने के दो तरीके हैं असली रास्ते बुला दिए काल ने वो एक करंट है सबके अंदर है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज है सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को कैसे सुनते हैं जब सारे ख्याल निकाले फिर सुन सकते हैं। इसी तरह ये सारे ख्याल निकाल के तन का प्यार भी निकल जाए ख्याल को पीछे इकट्ठा करें फिर ही सुनाई देता है। यही है सदगुरु की सेवा है जिसको हम रोज पढ़ते हैं सदगुरु की सेवा सफल है जे को कृत चित लाए कौन सी बंधन तोड़े मुक्त होए साची रहे समाए सारे बंधन तोड़े बाहर के तन के मन के धन के सारे ख्याल निकाले जट चिदिन गांध खोले इसको कहते हैं जिंदा मरना जिंदा मरे ख्याल को हम पीछे इकट्ठा करें फिर वो सुनाई देता है। इस जग में नाम अलभ है गुरु हसे मनाए ये रात मल के दुर्गा को जाने का है। कहते फील मिले वो कहे तेरा सब तेरे अंदर सच्चा नाम है चल अंदर उसको प्रकट कर नाम से तल पड़ जाए समझ मालिक से पड़ गए शब्द मिले तो हर मिले सेवा तो सब था सिर्फ शब्द में रखिए तब पहुंचे दरबार कहें कि बीतान देखिए बेटा पुरुषमार गुलखन पन पलटा दठाक न कोई पाए हर नाम सलाहन नाम मान नाम रहन में लाए अनहर तुल दरबार दे दर सच्चे सुबह पाए जिंदे मरने का सवाल है। जिंदा मरना क्या ये नहीं कब्रों में चलना है मौत के वक्त क्या होता है देशों के लोग टूट गए कौमक टूट गए यारन दोस्त टूट गए माँ बाप बहन भाई के टूट गए इस तन से भी निकल गया ना जिंदगी प्राप्त करे इसका नाम है जिंदा मरना। जब मर्जी आए जब मर्जी चला जाए वो तो कब्रों में चला जाएगा मशानों में चला जाएगा लेकिन ये है कि जब मर्जी तन में आ जाए जब मर्जी से निकल जाए मौत की घाटी को दूर कर ले इसको कहते हैं जिंदा मरना। जिंदा मर जाए इसको नई जिंदगी मिल जाए उसने फिर हुआ उसने लिखा मेरा दोस्त पेशा मर गए खोई जिंदगी दोस्त मरने से पहले मर तुम्हें एक नई जिंदगी मिल जाएगी। ये गुरु नानक ने फरमाया मरने तो सब जग डे जीवन दे लड़े सब कोए फिर प्रसादी जीत मरे हुक्म मुझे सोए नानक ऐसी मरनी जो मरे तो सब जीवन हो सदा की जिंदगी मिल जाए यहाँ से तुम्हारी शुरू होता है। कहते वो अगर मिल जाए तो फिर वो कह रहे तेरे सदगुरु तेरे अंदर आए तेरा सच्चा नाम है उसको पकड़ है वो मन की दरगाह का रास्ता है। हाँ जी हाँ एक
रुक्मिणी को कहा था कि तू यहाँ बांग दे रहा है, अल्लाह तेरे अंदर बांग दे रहा है, उसको सुन, वो तेरे घर का रास्ता है। हाँ हाँ जी, गुर पर सादी उबरे सच्चा नाम समान, सच्चा नाम समान, जग फाथा महजान बाबा, जग फाथा महजान। सतगुरु है बही था, सतगुरु है बही था, शब्द लंघावण हार, शब्द लंघावण हार। बृहता संस्कृत में मल्ला को कहते हैं कि सतगुरु मल्ला है, नाम का जहाज है। सतगुरु मिले, अब सतगुरु मिले वो रास्ता बताए, अंदर जाए, सतगुरु प्रकट करे, वो सच्चे नाम के जहाज पे सच्चे शब्द को पकड़ा दे, उसको अपने घर में पहुंच जाए। वो क्या कहते हैं गुरमुख, वो कहते चल अंदर, विषय कर छोड़, तन का प्यार छोड़, नाम सब कहते हैं। काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोक तज होए निचिंदा, परम का संगत तोड़ने वाला हम पर हर रस पाया। अगर तुम माल की प्राप्ति करनी है, माल के दरगाह में जाना है, तो क्या करें, काम छोड़ दे, क्रोध छोड़ दे, प्राय निंदा छोड़ दे, निंदा कर करके तुमने काली भी पड़ी है, एक काम दूसरे की, मस्त दूसरे की देख ले, सज दूसरे की, निंदे निंदा लगी पड़ी है, निंदा कोई बुरा है, सोचो कोई बुरा है, उसकी निंदा करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, वो अंदर बस जाता है, निंदा भली कहूं कि नहीं, मन करण मुंह काले तेरे नंद का नर के गौर भगवान, ये छोड़ दे। परम का संगत तोड़ने डाला, बाहर सब भरम है, कूड़ है, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ वैसन पढ़ते भी हैं, ये कूड़ छोड़, बड़ा भ्रम क्या है, तन इसका प्यार छोड़, अभी सब तन का प्यार छोड़ के अंदर बैठे, सारी चीजों का ख्याल निकाल के अंतर हर रस पाया, तुम्हें अंदर रसा नहीं लग जाएगा, माल का प्रेम जाग उठेगा, अंदर रसा नहीं लग जाएगा, अमृत लग जाएगी। मीरा कहते मैंने ऐसा स्मरण किया है, राम में राम बैठे, अंदर अमृत आने लग गया, हम पी लिया, देखे एने जो जन देखे, कि जैसे अंधेरी रात में चमकारे बिजली के होते हैं, इसे तुम्हारे अब आंखें बंद करो, अंधेरा है, फिर चमकारे आने लग जाएंगे, जोत आने लग जाएगी, जोत देखेगा तू, मैंने जोत अनंत देखे, नंद रूप अनूप रूपा गुरु पूरे दिखाया, फिर वो सतगुरु जिन फकीरों से काम लेता है उस रूप में आकर मिलता है। स्वप्न मुहूर्त पर से संतन की यही ध्यान धरना, वहां वो असली रास्ता पकड़ाता है, यहाँ अनेकों धोखे हैं, इस जोत को प्रकट करना ये पहला कदम है, ऐने जोत निरंतर पेखे कीमती बात है समझने की। आप मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गिरजों में जाओ, शिवद्वार में जाओ, आपको दो किस्म की शक्लें मिलेंगी, या तो गुंबद होगी या लंबोत्री शक्ल होगी। देख लो गुम्बद कौन सी है, ये असली मंदिर है, शरीर, हर मंदिर शरीर ज्ञान से प्रकट हुए, ये हमारे वास्ते स्कूल बने थे पढ़ाने के लिए, स्कूलों की बिल्डिंग तो अलग सारे बन गए मगर मास्टर नहीं रहे, बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में, मिट्टी की चीजें बना देते हैं, ये क्या है संतरा है तो नहीं, ये क्या केला है तो नहीं, ये क्या है सेब है तो नहीं, पढ़ाने के लिए समझाने के लिए है, ये गुंबद सिर,
ये लमुती शक्ल है जिसको कृष्ण ने कहा है नाश करके अगर भाव आए यहाँ आए उसकी ज्योतें जग रही हैं, घंटे संख बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, ये ज्योतें नहीं किया कर ये बंद मतलब सुनाने के लिए थी, मतलब फांसी उसकी चीजें छोड़ दी। इधर एक फकीर हुआ है श्राम सुन लिखा है माई मेरे मंत्र में जोर जगे दिन बीतित दिन बाकी भेद के जन्म में जोर जगे इन देखते तो सगले जा रहा है देखो तुम भले ये तो कन्या रोशन देखते सगले जा रहा है सोचो ये जो देखी थी मुसलमानों की चिराग जलाते हैं बात एक ही है। उल्टा कुआं गगल में तिसमें जरे चिराग तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती छह ऋत बारह मास ऋत रहे दिन राती अपने आप है सतगुरु मेरा जो है ताई की नजर में आवे बिन सतगुरु को होने वाको दर्शावे निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माई ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। अब इस ज्योत को देखे फिर एक खालसा बनता है जिसके मतलब गुरु गोविंद सिंह ने कहा है जागत ज्योत जपे ने सुवाकर एक बिना मन नैक न आने पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे बटकोर मड़ी बटभोर न माने तीर्थ दान दिया तब संजम एक बिना ने एक पिछाने पूर्ण ज्योत जगे कट में तब खालसा से न खाले जाने। यहाँ तब आता है जब जिंदा मरे फिर सब कहते हैं अमन उठ सनातन हुआ तब जाने जब जीत हुआ जब जिंदा मरा सब तक पड़ा जो सिद्ध मैं सनातनी बन गया। यहाँ का रूप काफी साफ हो जाती है फिर ये जब साफ हुआ पाक हुआ श्रेष्ठ बना यार ये बन गया ये नामतारी बन गया इसी का नाम सच्चा सौदा बिल्डिंग का कुछ सच्चा सौदा नहीं ये काम करना था अगर बन गया तो सब कुछ है नहीं तो कुछ भी नहीं। बात कैसे बने जैसे कोई डॉक्टर में दाखिल होता है उसी रोज से हम कहने लग जाते हैं और जी डॉक्टर साहब बना तो नहीं बनेगा तो जब जब कोर्स करेगा कोर्स तो किसी ने हमें बनाया किया बाहर बाहर सब बन गए तो ये काम छोड़े क्रोध छोड़े बाहर की चीजों का ख्याल छोड़े ख्याल को हम पीछे इकट्ठा करें और ज्योत को देखे यहाँ से मार्ग शुरू होता है एन ज्योत नंत्र पेखे यहाँ से तो मार्ग शुरू होता है असली रूहानियत का। हाँ क्या कहते हैं हाँ फिर बोल रहे शब्द है हाँ सतगुरु है दोही था शब्द लंघावन हार शब्द लंघावन हार यहाँ अनेक धोखे हैं निशान का वजना दुजार अनेक नादान चिंकार जिन संतों से काम लेता है उनके जरिए उस रूप में आकर उस असली शब्द को पकड़ाता है। काल के वहां है यहाँ रेडियो में कितनी आवाजें हैं कलकत्ते की बंबई की इंग्लैंड की अमेरिका की इसके अंदर भी ब्रह्म लोग शिव लोग इंद्र लोग सचखंड सबकी हैं। हाँ हाँ जी सतगुरु है वही था शब्द लंघावन हार शब्द लंघावन हार तीर्थ पवन न पाव को ना जल ना आकार ना जल ना आकार पीछे सचा सच नाए पीछे सचा सच नाए पव जल तारण हार पव जल तारण हार बात और खोलते हैं कि दुनिया की जो जहाज हैं वो लकड़ी लोहे तांबे के बने हुए हैं आग हवा पानी से चलते हैं वो कैसा है आप मानते हैं कि समुद्र तो पानी के हैं वो पानी का नहीं वो जन मन का है ये देश मिट्टी का है फना है यहाँ फना चीजें काम करती हैं लोहा तांबा लकड़ हवा आग वहाँ ये काम नहीं करते वो अलग चीज है। हाँ जी वो नाम का जहाज आया हाँ जी
तिथे सच्चा सच नाए पवजन तारण हार पवजन तारण हार जग फाथा महजान बाबा जग फाथा महजान गुरुमुख लंघे से पार पए गुरुमुख लंघे से पार पए सचे सो निवनाए सचे सो निवनाए जो नाम ध्यान से कौन चढ़ता है कौन मल त्रिधाम में जाता है कहते गुरुमुख गुरुमुख कब मानता है अभी सुनाया था कि आत्मा तीन शरीरों में कैद है पहले कान शरीर है उसके सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर स्थूल शरीर है जो हम देख रहे हैं इन शरीरों से निकले ये बंधन तोड़े तब है अनेकों बंधन में फंसा पड़ा है पहले तो स्थूल बंधन है बंधन मात पिता संसार बंधन सुप्त कन्या नार बंधन कर्म धर्म किया बंधन पुत्र मन दिया बंधन भेदभाव अहंकार कमों के मजबों के देशों के ये बंधन तोड़े इनमें कौन सा पड़ा है नानसा ने लिखा ये बंधन पड़े हैं फकीर आते इस बंधनों को तोड़ाने के लिए हैं कोई काम नहीं ये बंधन तोड़े तो अंदर जाए कैसे जाए एक रस्सा हिलने नहीं देता इसको सैकड़े रस्से पड़े हैं हजरत यीशु मसीह साहब फरमाते हैं कि तुम यह ना समझो कि मैं इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने आया हूं बल्कि तलवार चलाने आया हूं क्योंकि मैं लड़के को उसके बाप लड़की को उसकी मां बहू को उसकी सास से जुदा करने आया हूं अर्थात दुनिया के अंदर फैली हुई तुम्हारी गहरी जड़ों को और इस दुनिया के साथ तुम्हारे मोह को जो बार बार तुम्हें इस देह के बंधनों में बांधकर यहां ले आता है भक्ति की तलवार से काटने के लिए आया हूं ताकि तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ फिर फरमाते हैं कि अंतिम समय मनुष्य के घनिष्ठ संबंधी ही उसके शत्रु सिद्ध होते हैं उनके मोहवश जन्म लेकर उनसे बार बार संबंध कायम करता है जिस कारण इसके जन्म मरण के बंधन समाप्त नहीं होते पहले इसको तन का प्यार है छोड़ना नहीं चाहता है क्योंकि तन चाहता है इसको वो मिलता है फिर हमारे ख्यालों के मुताबिक इस धक्के खा रहा है वो घर बार भी नहीं छुड़ाते हमें रहना नहीं आता दुनिया में रहने का तरीका क्या है बच्चा पैदा हो गया लड़की है लड़का उसकी मौज बीमार हो गया उसकी मौज राजी हो गया उसकी मौज मर गया उसकी मौज थोड़ा दे दिया उसकी मौज ज्यादा दे दिया ये उसकी रजा मेरा है ये लेने देने खत्म करने हैं साथ छुटकारे का बंदोबस्त भी करें ये बंधन ऐसे तोड़ने हैं बंधन घर बार छोड़ने से कुछ नहीं बनता जैसे राजा जनक था राजपाट में त्यागी सोच लो बाहर के त्याग से भी कुछ बनता सुखदेव उनके पास गया पहले तो संकार था कि मैं त्यागी है वो ख्रिस्ती है वो राजा है मैं जंगलों में रहने वाला सोचो अब उसे अहंकार तोड़ना था राजा जनक ने खेल किया एक आदमी आया फलाने बाजार में आग लग गई हरी इच्छा फलाने में आ गई हरी इच्छा फलाने में आ गई हरी इच्छा फलाने में आ गई हरी इच्छा महलों के नजदीक आ गई हरी इच्छा सात कमरे में हरी इच्छा ने कहा हरी इच्छा तो कही जाता है कोई करता तो कुछ भी नहीं जोरी डंडा उठा के चलने लगा उसने बाजू से पकड़ लिया तू तो त्यागी है मेरे महल सड़ने वाले हो गए बाजार सड़ गए
जिसका नाम त्याग है उसकी रजा में रहे, दुनिया में रहता हुआ बाल बच्चों में भी रहना है, इनके लेने देने भी खत्म, जब तक लेने देने खत्म नहीं आगे नहीं जा सकता, ये भी काम करे साथ छुटकारे के बंदोबस्त करे, ये है रहने का तरीका। ये बंधन तोड़े फिर सूक्ष्म बंधन वो तोड़े, फिर कान में जाकर अगे अमृतसर है, नाम का तीर्थ है, प्राग है, वो इसके अंदर है बाहर नहीं, अरसर तीर्थ हर नाम है किले काटना रहा ईड़ा पिंगला सुखना तीन वर्षिक ठाई बैनी संगम से प्राग मनमंदिर करी उसमें नहाए, फिर वो साफ होती है, फिर गुरु बनती है, फिर माध को देखने काल बनती है, ये काम करना है। कहते कौन जाता है, जो गुणस्तर का कोर्स करता है अंदर जाता है वो जाता है मालिक दरगाह में। हाँ जी हाँ गुरमुख लंघे से पार पाए सचे सालिव लाए, सचे सालिव लाए आवागमन निवारया ज्योति ज्योत मिलाए, ज्योति ज्योत मिलाए। जिसने गुरु का कोर्स किया उसे आवरण चक्र मिल गया, ज्योति ज्योति मिल गई। अब ज्योति ज्योति में फर्क है, इधर काल ने रचना ही ऐसी की है, संभाल किए हैं, आगे को पता नहीं, डायरेक्ट मकर किए हुए हैं। जो प्राणायाम वाले हैं वो प्राण साल लेकर आंख को पीछे आए, यहाँ का नूर देखा, कहता ज्योति ज्योति मिल गई। योगी और अभिश्वर ब्रह्म देश में जाकर असली ज्योति ज्योत कहाँ है आगे कहते हैं। हाँ गुरमति सहज उपज सच रहे समाए, सच रहे समाए। असली ज्योति ज्योत सहज अवस्था में है, वो कहा त्रिलोक किस पार चौथे लोक में त्रै गुणों में सहज न पाइए, त्रै गुण पर फुलाए पढ़िए गुणिये की कथी जो बुढ़ो कुछ जाए, चौथे पद में सहज अगुण पर ले पाए। कैसे जाता है गुरमत्ती, कोई गुण वाला फकीर मिले, बड़ी भारी गलती यही है कि हम मन के मैंने भी चलते हैं। ये तो कहता अटपटी छटपट लगे न कोय, जो मन की खटपट मिटे चटपट दर्शन होए। कुछ लोग कहा नहीं मानता, ये एक विषय ने क्या कहा है ज्ञानहीन जाने नहीं भाई, जीव के संग मन काल रहाई, जीव के संग काल को वासा, ज्ञानी जान गहे विश्वासा। मन का क्या न कि जो कोई, मन जीव को फरमावे सोई, कह कबीर मन जाग तुवारी, मन का क्या न कि जो नर नारी, मन ने सबकी मिट्टी पीट कर दी। बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर आदमियों को सबकी मिट्टी पीटता है, ये मन मारे मोमना, ये मन मारे मीर, ये मन मारे साधका, ये मन मारे पीर, यही विशेष योग में आता है। श्री रामचंद्र जी ने फरमाया कि अगर कोई कहे मैंने हिमालय उठा लिया है मुश्किल मानने वाली बात नहीं, मैं ये मान जाऊंगा, शायद कोई ऐसा बहादुर हो। अगर कोई कहे समुद्र पी गया है मुश्किल है, ये मानने वाली बात नहीं, ये भी मान जाऊंगा। अगर कोई कहे मैंने हवा को रोक लिया, मानने वाली बात नहीं, ये भी मान जाऊंगा। अगर कोई मन को काबू कर लिया मुश्किल है, ये सबको खा गया, सबकी मिट्टी पीट कर दी इसने। इसलिए कहा मन की मत क्या गोरी लेनी है बात कठानी, इसकी मत छोड़े सब दुनिया इसके मत आता है, हम सब इसके मत आता है। मन फिर बोले सबको मन मारे बिन बात में हुए ना मरवे ना मन मरे न कार्य जोए। बड़े बड़ों को मार दिया इसने, पट सब कहते हैं काम क्रोध तजा, काम क्रोध बस किया, नींद और भूख को लो लो बस किया, दुख और सुख को पल में कोस हजार जाए ये डोलता, अरे पलटू वह ना लगा हाथ जाऊंगे बोलते। ये इतनी बड़ी हस्ती है,
सोच लो ये मन मत छोड़े, फकीरों की मत ले, फिर जा सकता है अंदर। हाँ, उनके वचन के परे काल ही काल है। दद्दू कहते सदगुरु शब्द कर जन कोई सिख जाए, दद्दू पग पग काला जहां जाए भाई। हाँ, सारी दुनिया मन के मत आया था, सबकी मिट्टी पीट कर दी इसने, फकीरों के साथ रहते रहे, मर्दाना सारी उन भागता रहा। देख लो ये जल्दी जल्दी काबू नहीं आता। हाँ जी, काल का एक वकील है, सबको नचाए फिर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। गुरमाती सहज उपज सच रहे समाए, सच रहे समाए, जग फाता महजान बाबा, जग फाता महजान। सब पिड़ाई पाई बिख अंतन मन रोशन, बिख अंतर मन रोशन। सब कुछ इसके अंदर रखा, कोई चीज ऐसी नहीं जो ना हो इसका। है सब कुछ वैसे खंड मंडल पाताला, इसका है जग जीवन दाता वैसे समय पाला, इसका है नौ खंड पृथ्वी हाट पटवा तारा, इस कारण ब्रह्म विष्णु महेश्वर सब ऊपर जिस संसार एक भी सब ने कहा है। क्या यागत भीतर बन और बस्ती यही में झाड़ पहारा, यागत भीतर बाग बगीचा यही में सिंचनारा, यागत भीतर सूर्य चंदा यही में नाम लगता रहा, यागत भीतर देवी देवा यही में ठाकुर द्वारा। क्या एक विष्णु आप यही में गुरु हमारे सब कुछ अंदर है। कहता है तो सब कुछ अंदर है, मिलता क्यों नहीं। तरह तरह की चीजें समझाते हैं कि जैसे पुराने थे हैं उनमें खजाने दबे होते हैं, खजानों के सामने बैठा है जिसे निकालना हो, जब वो निकालने जाता है वो फुंकारा मारता है, डराता है और जाओ तो डंग मारता है। उस सांप को काबू करे या मारे तब खजाना हासिल हो सकता है, ऐसी तो नहीं। सोच लो कैसी तरह यहां मन रूपी सांप बैठा है, देवी भजन में बैठता है, कहते चल बाल बच्चे पाल, इससे ज्यादा भक्ति और कौन सी है, सिमरन नहीं करने देता, रोज शिकायतें करते हैं। देख लो यार, फिर कहता है आज रात को जागेगा कल काम कर कैसे चलेगा, काम कैसे करेगा, फिर उठाता है फिर विश्वकर्म ख्याल लाता है, चोरियों ठगियां और उनकी जहर चढ़ी हुई अंदर जाने नहीं देती। हाँ, हाँ जी। सांप पिड़ाई पाए बिख अंतर मन रोशन, बिख अंतर मन रोशन, पूरब लिखिया पाए किसनो दीजे दोष, किसनो दीजे दोष। जैसे पीछे हमने फंसने बीजी, अब वो खा रहे हैं अहमदाबाद से और बीजते हैं, इसलिए जो पीछे कर्म किए हैं हमने वो प्रलाप लड़ने को खा रहे हैं, आइंदा के लिए आ रहे हैं। जो ये खोटे कर्म करते जाता है यही नहीं, फिर हम कुछ रिजर्व स्टॉक रख लें वक्त वक्त काम आ जाए, इसे काल में इसका स्टोर रख सकते कर्मों का, उनको जिनको सिंचित कर्म कहते हैं। दस राज से पूछा गया तुंदा क्यों हुआ है, वो कहने लगा मुझे 100 जन्म का पीछे का पता है, मेरा कोई कर्म ऐसा नहीं जिसमें अंधा हुआ। जब कृष्ण भगवान ने तुझे दी तो पता चला
इस 6 जन्म में पीछे कर्म किया था उसका फल आज भुगत रहा हुआ है, इतना स्टोर पड़ा है, इसलिए काल में रक्षण है। देख लो जो ये खोटे कर्म करता जाता है, नरकों का अधिकारी बनता जाता है, अपने लिए कंडे बीता है, इसको चुगने पड़ते हैं। जो आदमी अपनी गर्दन अपनी छुरी से काटे उसको बचाए कौन, किसको दोष दीजिए। इसलिए उन्होंने मन ना झगड़ा मन ना सत, मन जीते जग जीत, इसे झगड़ा करना पड़ता है। जिसने झगड़ा किया उसने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ अंदर है, इसका अंदर सब कुछ बसे, खंड मंडल पाताल है, इसका अंदर जो जीवन दाता बसे सब ना कृपित वाला, इसका अंदर नौखंड हाट पर है, सब कुछ अंदर दिखाई क्यों नहीं देता। वो मादा नहीं, ना शरीर में है, है मन के पर्दे के पीछे। मन का पर्दा उठाए तो देखे रेडियो में आवाजें हैं, कैसी मीठी मीठी राग है, अगर रेडियो तोड़ो कुछ मिलता है, ये पोस्टमार्टम करो तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगर मन का पर्दा उठा दे सब कुछ देख है, सब कुछ मन के पर्दे के पीछे। हाँ जी पूरब लिखिया, ये दुश्मन है, जितने झगड़े इसने डाले दुनिया में, जितने कौमबंद बनाए इसने बनाए हैं, जितने एक एक मजबूत कितने कितने फिर के बना दे, देख लो सब झगड़े इसके डाले हुए हैं, सबको नचा रहा है। हाँ पूरब लिखिया पाये किसना दीजे दास, किसना दीजे दोष, गुरमुख गारड जे सुने, गुरमुख गारड जे सुने, मन्ने ना संतोष, मन्ने ना संतोष। सवाल पैदा हुआ, सब इसके अंदर है, मन के पर्दे के पीछे है, मन ने सबको दुखी कर छोड़ा है, इसका इलाज, इसका इलाज ये है कि जैसे किसी को सांप लग जाए इसको क्या करते हैं, मंत्रियों के पास ले जाते हैं, वो क्या करता है, ये झड़ा करता है, दवाई देता है। इसी तरह मन का मंत्री कौन है, गुरुमुख, वो क्या दवाई देते हैं, वो कहते हैं सिमरन कर, ख्याल को पीछे इकट्ठा कर, अगर तू यहां आए सब दोनों हाथों से लेकर अमृत खड़ा है, जब तू पिएगा वह नाम का अमृत, नौ नितम प्राप्त नाम देही में उसका विश्राम, जब तू उसकी लज्जत लेगा सारी लज्जतें फीकी लगने लग जाएंगी, काम तो पास में आ जाएंगे, मन काबू आ जाएगा और कोई इलाज नहीं, अंदर जाए तो पिए, सबके अंदर वर्ष है, झिमझिम वर्ष अमृत धारा, मन पिए सुन शब्द विचारा, तो अंदर जाए तो पिए, कोई पियो रे राम रस प्यासा, गगन मंडल ने अमृत वर्षे उनके घर वासा, फिर आकर रोका दिया, ये दवा है ये खाओ, देख लो अंदर जाए तो खाए पिए, फिर मन काबू आए। हाँ हाँ जी गुरमुख गारड जे सुने, मन्ने ना संतोष, मन्ने ना संतोष, जग फाथा महाजाल बाबा, जग फाथा महाजाल। मगर मच्छ पाये कुंडी जाल बताए, कुंडी जाल बताए। और तरीके समझाते हैं क्या कि समुन्द्र में बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं,
उनकी इतनी ताकत है कि अगर जहाज को टक्कर मारें जहाज के टुकड़े टुकड़े कर दें। लेकिन मल्लाह क्या करते हैं, कुंडी में गोश्त का टुकड़ा या कोई और चीज लगा के फेंक देते हैं, वो लाल का मारा हुआ आता है, खाने लगता है, कुंडी उसके मुंह में फंस जाती है, जब कुंडी फेंकते हैं खेचा चला जाता है, फिर हांडियों पे चढ़ता है। इतना बड़ा मगरमच्छ जो जहाज के टुकड़े टुकड़े कर दे, अब हांडी पे चढ़ता है, देखो किसने फंसाया, जीभ के लालच ने, जीभ के स्वाद ने। इसी तरह आत्मा सबसे ऊंची हस्ती है, इसको किसने फंसाया, मन इंद्रियों ने, विषय विकारों ने, इंद्रिय फलस्तों ने मिट्टी प्रीत कर दी इसकी। हाँ हाँ जी। मगर मच्छ फहाये कुंडी जाल बताए, कुंडी जाल बताए। दुर्मत फाहा दुर्मत फाथा पाये, फिर पछताए, फिर पछताए। मगरमच्छ को किसने फंसाया, जीत के लालच ने, स्वाद ने, इसको खुटी सोबत ने, खुटी सोसाइटी ने, मन इंद्रियों ने। हम एक दफा रानी से आ रहे थे, रास्ते में उठू के पुल पर इंसान जी कहने लगे, ठहरो यहाँ। हम ठहर गए, मच्छी वहां मछली पकड़ते थे, एक मच्छी ने कुंडी जो खींची वो तकरीबन 3 फुट लंबी मछली होगी, खींची चली आई। अब उसका मुंह इतना बड़ा फट गया, अब ऐसे तड़फ किया है, किसने फंसाया, सोचो किसने तड़फाया, जितने स्वाद ने वहां और भी थी, पानी में फेंक देते थे, इकट्ठे ले जाते ट्रक भर के। इसी तरह हमारा हाल है, आत्मा किसने फंसाया है, मन इंद्रियों ने, विषयकारों ने, लिस्ट में फंस फंस के खराब हुआ है, खुद सोबत ने, खुद सोसाइटी ने। हाँ जी हाँ। दुर्मत फाथा पाये, फिर पछताए, फिर पछताए। जमण मरण न सूझई, जमण मरण न सूझई, किरत न मेट आ जाए, किरत न मेट जाए। जितने मोहम्मद मन में लगते हो कुछ सेटे फंस कर, होश ही नहीं, मैं कौन है, कहां से आया हूं, क्या करना था, क्या कर रहा है, सोच लो काम पे डिजायर खाया जाता है, इसलिए फंसा है बेचारा, धक्के खा रहा है। हाँ जी, भी छुड़ाना है, जन्मन के भी छुड़ाने हैं, खत्म करना है। हाँ हाँ जी। जमण मरण न सूझई, किरत न मेट आ जाए। इन इंद्रियों को लस्त में लेते लेते उनका आदि बन गया, रसों का उनका गुलाम बन गया, फिर इनके लिए चीजों की जरूरत है, चीजों के लिए चोरियां ठगियां सौस झगड़े करता है। देख लो आदमी को आदमी खाने लग गया है, देख लो जितने झगड़े इनके हैं, इन्होंने डाले हैं, विषयकारण डाले हैं, आदमी को आदमी ने खाया है, टेलीविजनों में भी आया, अखबारों में भी आया था, हमने तो किताब में भी लिखा है, आदमी को देखो उनके दिल निकाल निकाल कर खाते रहे हैं। हाँ, इसे चक्कर में पड़ा है। हाँ हाँ जी।
जमण मरण न सो जई कीर्त न मेटे जाए कीर्त न मेटे आ जाए बाबा जगवा था महजान भिख पाई जगत उपाया हो मैं भिख पाई जगत उपाया शब्द बसे भिख जाए शब्द बसे भिख जाए। फिर और बीमारी बताते हैं कि काल ने जब रचना की सबसे बड़े जहर कौन से फैलाई है होमे की हंकार की। हम रोज पढ़ते हैं हम विचाया हम विच गया हम विच जमया हम विच मोया हम विच चार कुड़ियार हम विच पापन विचार। ये होमे इस विचवासी में लिए फिर रही है होमे दीर्घ रोग है दारू की सीमा है। ये लालच बीमारी है जब बीमारी इलाज भी है वो भी इसके अंदर है। कृपा करिए अपनी तब कशत माए मत मेर करे ये भक्ति करे अंदर जाए शब्द गुरु को प्रकट करे फिर देवता सबके अंदर वो तक काम कर रही है। फिर हम जाती ऐसे नहीं ये हमें राशि मिली फिर रही है से ये बड़ी दीवार है तन पीर का एक ही संगवासा बीच हमें भीत करा रही। ये मुसलमान पीर कहते हैं मैंने आश को माशु खेल अजनेस तू खुद हो जावे खुद ही अजमिया रखेश तेरे और मालिक दरमियान। अब कोई बड़ा पर्दा तो खुद ही का है इसको निकाल दे इसको निकाल दे फिर मार्ग सामने आए। हाँ जी हाँ जी ऊपर ऊपर से तो कहता नहीं जी मैं नहीं अंदर जब तक रास्ता है वो देखे ना जो अंदर नाम को शब्द को देखता है उससे तो पड़ता है फिर देखता है वो सब ताकत काम कर रही है वही कर रही है फिर हमें जाती ऐसे नहीं। हाँ हाँ जी जरा सी बात होती है मैंने ये किया बस तीर्थ पर दान कर मन में तेरे गुमान नानक ने फिर जाते जब कुछ रिश्तेदान ये अग्रह सब गया जब अहंकार खत्म। हाँ जी हाँ जी मैं बिख पाए जगत पाया शब्द बसे बिख जाए शब्द बसे बिख जाए जरा जो न सकई जरा जो न सकई सच रहे निवलाए सच रहे निवलाए। बात कहते हैं साधो ये तन मिथ्या जानो या भीतर जो राम बसता है सच होता है पहचानो इसके अंदर जो रंगी हुई ताकत है वो सच्ची है शब्द रूप में नाम रूप में जिंदगी ताकत दे रही है। अरे तन का प्यार छोड़े बाहर के ख्याल छोड़े अंदर से उसे तल जोड़े फिर हमें चली जाए छुटकारा हो जाए। हाँ हाँ जी जरा जो न सकई सच रहे निवलाए सच रहे निवलाए जीवन मुक्त सुआखिए जीवन मुक्त सो आखिए जिस भी चाहो मैं जाए
निकाली सोचता वो जिंदगी में मुक्ति हासिल कर दिया, छुटकारा कर दिया। संत मरने के बाद मुक्ति का भरोसा नहीं देते, वो कहते जिंदगी में हासिल कर, कुछ तो कर रहे हैं। जो बाद में कहते हैं उसका ठगी है। साधो भाई जीव थी करदासा, जीवित समझे जीवित मुझे, जीवित मुक्त मासा, मोए मुक्त कहे गुरस्वार्थी, ये झूठा विश्वास है। नामदेव ने कहा मोए हो जो मुक्त दोगे मुक्त न जाने कोयला, पर ये हमें काले तावा है, ये कैसे निकलती है। पहले सारी दुनिया की चीजों का तावा छोड़े, दादू तावा दूर का बिन दावे दिन कट कितने सौदा कर गए इस संसार में, क्या जाएगा इसके साथ, ले जाएं कम जाएं, कौन सी चीज है इसकी, पतन किस किस देश में पैदा हुए, किस किस गांव में पैदा हुए, जब कीड़े पतंगे बने कौन सी काम हुई, परले हुई महापरले हुई, कौन सा देश हुआ इसका। सोच लो इनका दावा छोड़े, दादू दावा आज का निर्दावा कैसा, दिल की दुद्धा दूर का सौदा करो ऐसा, आगे का दावा कर, ये तो सब छोड़ जाना है। जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे, जब मैं मेरी मिट जाए तब प्रभु का सवार आए, ये निकाले हम है तब है। हाँ जी ये दुनिया की चीजों का दावा किए बैठा है, मेरा ये मेरा ये, सत्संग में आकर फिर पता चलता है ना मेरे देश है, ना मेरी कौम है, ना यार दोस्त है, ना माँ बाप है, ना बहन भाई है, ये तन भी मेरा नहीं, देख लो फिर पता चलता है मेरे देख सतगुरु है, बस चलो अंदर। हाँ हाँ जी आगे जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो में जाए, जिस विचो में जाए तंदे तावत जगिया बाधिया, तंदे तावत जग बाधिया, ना बूझे विचार, ना बूझे विचार। जमण मरण विसारिया, मन मुख मुखद गवार, मन मुख मुखद गवार। फरमाते हैं कि सारी दुनिया अपने अपने धंधों में काम काज में उलझी पड़ी है, किसी को होश नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना था, क्या कर रहा है। जिसे पूछो फुर्सती नहीं, जमींदार से पूछो फुर्सत नहीं, दुकानदार से पूछो फुर्सत नहीं, नौकरी पेशे से पूछो फुर्सत नहीं, देख लो सब उलझी पड़ी है। काल न सूझे कंध पर मन चित्त पे बवास, दादू जी जाने नहीं कठिन काल के पास। कि काल याद ही नहीं, अपने अपने धंधे उलझा पड़ा है, वो आएगा किसी ख्याल है। जनमन फिक्र का जमन वरना बसारे, मन मुद गुवार, जनमन मकान की से फिक्र ही नहीं, ये मनमुख है मुग्ध है गुवार है, बोलो क्या क्या लिखा उन्होंने, होश ही नहीं किसी को, ये काम भी करना है। मरते देखता है कहते मरने वाले और ही हैं, थोड़ा बहुत कभी यकीन आ गया नहीं तो बस याद ही नहीं। जिन फकीरों ने हर वक्त याद रखा है वो हासिल करे मुक्ति, क्योंकि साहब के पास कोई आदमी गया वो घर में नहीं था, माई दोस्त से पूछा कि कबीर साहब कहाँ हैं, कहने लगे वो शमशान घाट में गए हैं वहाँ एक मुर्दे के साथ। कि मैं तो उनको जानता नहीं, उनकी पहचान क्या है, कहने लगे उसके सिर पे कलगी होगी। जब वो वहाँ गया देखता है सबके ऊपर कलगी है, हैरान हो गए। जब आप सामने लगे सबकी कलगियां उतरती गई, एक वीर साहब पे रह गई।
पूछा आपकी कि मैं हर वक्त मौत की याद रखता हूँ, उस वक्त तो सबकी याद थी, बस इसको याद ही नहीं रही, वक्त भी आना है, फिक्र ही नहीं किसी को जन्म मकाने का। हाँ, एक दफा कोई जाने लगा घर, मिसाई जी ने फरमाया कि अभी सिमरन भजन कर किया कर। कहते जी क्या करें, गृहस्थी हैं। मिसाई ने फरमाया दिखा, कहाँ पट्टा लिख के दिए मालिक ने तुम्हें गृहस्थ कही, याद ही नहीं है तो किसी को। हाँ हाँ, जमण मरण विसारिया मनमुख मुगत गवार, मनमुख मुगत गवार, गुर राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार, सच्चा शब्द विचार। कैसे बचाओ की कोई सूरत नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई उपाय नहीं, एक ही है बस, सदगुरु मेहर करे, कोई ऐसा वकील मिला उसे सब मिले, फिर होश आती है, नहीं मैंने क्या करना है, किस लिए आया हूँ दुनिया में। हाँ हाँ जी, गुर राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार, सच्चा शब्द विचार, बाबा जग फाथा महाजाल, जग फाथा महाजाल, बाबा जग फाथा महाजाल, सुवट पिंजर प्रेम के बोले बोलन हार, बोले बोलन हार। सूर कहते तोते को, जैसे तोता पिंजरे में कैद है, तरह तरह की बोलियां बोलता है, नहीं रहा तो कैदी का कैदी, छुटकारा तो ना हुआ, रहा तो कैदी तक कैदी, सोचना इसी तरह हम भी इस तन मन के पिंजरे में कैद हैं, तरह तरह की बोलियां बोलते हैं, माँ की, बाप की, बहनों की, भाइयों की, कौमों की, मजहबों की, भक्तियों की, जेली का जेली रहा, छुटकारा तो ना हुआ, सोचो, रहा तो जेली का जेली, छुटकारा तो ना किया, वो रास्ता तो अख्तियार ना किया। भाई गुरदास ने लिखा, पूछित है पथक मार्ग न धारे पग, प्रीतम के देश क्या बातें क्या जाइए, रास्ता तो पूछते हैं, चलता कोई नहीं, कि बातों से तो नहीं जाएगा। ये दत्त सुन गया कि जैसे दूध में घी है, जो दूध में रम रहा व्यापक सभी ठौर, दादू बक्ता बहुत है, मत काटे कोई गौर को निकाले तब है, मेहनत कोई करता नहीं, इसलिए फंसा है, रहा तो कैदी का कैदी। हाँ हाँ जी, सब दुनिया बातें कर करके चली गई। हाँ जी, जेल से तो नहीं छुटा, वो तो कहते चल अंदर जिंदा मर, मतू की बुलंद मतू है, मुसलमान कहते हैं, दादू पहले मर रहो पाछे मर सो को है, मुया जित कर जाइए तो जीव दिया मर मार, सब फिरों की गीता ली मैं इस दुनिया में, जिंदा मरे क्या, तन के पिंजरे तोड़े अंदर जाए तब है। हाँ हाँ जी, सुवट पिंजर प्रेम के बोलन बोलन हार, बोले बोलन हार, सच चुके अमर
पिए सच चुगे अमृत पिए उड़े ताए कावार उड़े ताए कावार। अब ये सदगुरु की बोली बोले सदगुरु का ख्याल रखे तुमने ख्याल निकाले आप मेरे गुरु राखा जा बोले तब गुरु भाका गुरु 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 कर मन मोर गुरु बिना मैं नहीं हो रहे सारे ख्याल निकाले कन का पिंजर टूट जाए मार के दरगाह में चला जाए। मजमू ने लिखा है कि एक हिंदुस्तान के तोते को दूसरे मुल्क का आदमी ले गया वो बड़ी मीठी बोलियां बोलता था। जब वो फिर हिंदुस्तान आया आने लगा तो नौकरों चाकरों से पूछा कि जिन्हें कुछ चीज मंगानी है जिन्हें कुछ लिखाया कि कुछ लिखाया तोते से पूछा तोता कहने लगा जहां आप तोतों का झुंड देखे उसको कह देना कि तुम्हारी जात का एक तोता मेरी कैद में है। उसने रहाई का बंदोबस्त पूछा है क्या ये इंसाफ है क्या ये दोस्ती है कि तुम तो खूब ऐश करो इधर उड़ो दरख्तों की सैर करो मैं कैद में हूं। कि अच्छा भाई जब हिंदुस्तान में आया एक जगह तो तुम्हें झुंड देखा उसने यही लफ्ज कह दिए कि तुम्हारी जात का तोता हमारी कैद में आया। उसने अपने रहाई का बंदोबस्त पूछा है वो कहता है क्या इंसाफ है कि आप तो खूब हवा में उड़ो मैं कैद में हूं। एक तोता उसी वक्त फटफड़ाया नीचे गिर गया। उसने सोचा कि मैंने तो बहुत बुरा किया ये बेचारे का कोई खास रिश्तेदार होगा बेचारा तड़पते मर गया। फिर वो वापस चला गया सबको सामान दे दिया तो उसने पूछा मेरा जवाब कि तेरा कुछ नहीं फिर भी कहने की ये बात है वो भी उसी फड़फड़ाया पिंजरे में गिर गया। उसने कहा मैंने ये भी बुरा किया पहले तो वो मारा है मुश्किल से इसको लाया था पहले तो कहा है तोता है तू ऐसा था वैसा था आखिर उसने क्या किया पिंजरे से निकाला बाहर फेंक दिया वो तोता उड़ के दरख्त पे बैठ गया। उसने पूछा तोता अब तू आजाद तो हो गया मुझे बता उसने क्या सिखाया तुम्हें क्या सिखाया। वो कहने लगा उसने ये सिखाया तेरी मीठी बोली ने फंसा रखा है ये छोड़ दे हमारी मीठी बोलियों ने फंसा रखा है दुनिया की चीजें देख देख फंसे पड़े हैं ऐसे ही देख लो बच्चों में मोह हम डालते हैं चीजें देख देख के हम डाल ये है वो है इसलिए फंसा आप ये बंद तोड़े तब है हाँ जी ये सारे ख्याल निकाले दुनिया के ये आगे से आगे डालता ही जाता है। ये कहता है ये कर लो सुख हो जाएगा ये कर लो सुख हो जाएगा ये कर लो सुख हो जाएगा मिले ही ना ये कर लो सुख हो जाएगा फिर भजन करूंगा ना जितने सुख है सब माया का जाल है कभी भजन नहीं करने देता जितने सुख संसार के सब माया जाल। ये मृग तृष्णा है मृग जाओ रेत के टिब्बों में बंद दोपहर को गर्मी के मौसम में आजकल ऐसे लगते जैसे पानी है मेरे प्यासा है दौड़ता है भागता है मैं पानी पीऊं आए कुछ नहीं मिलता फिर आगे लगता है बस इसी तरह फट बैठ के मर गए हैं ये हमारा है। ये दुनिया ख्याल निकाले तब हासिल करे कैसे करे हाँ हाँ जी फिर बोल सच चुके अमृत पिए उड़े ताए कावार उड़े ताए कावार। दुनिया ख्याल निकाले सिमरन करे तन का पिंजरा टूट जाए आजाद हो जाए रूह अपने बदन को चली जाए हाँ हाँ जी गुरु मिली है ये ख्याल ही रोके बैठे और क्या है अच्छे बुरे ख्याल ये लाइट है आग टाक डालते जाओ बंद हो जाएगी उठाते जाओ खुल जाएगी यीशु के कपड़े डालता जाओ फिर भी बंद हो जाएगी उठाओ फिर खुल जाएगी
अच्छे बुरे ख्यालों के पर्दे पड़े हुए हैं, ये निकाले एक सदगुरु सतंत्र रखे छुटकारा हो जाए। हाँ काम भी करे, लेकिन मेरे नहीं है काम, जब मर्जी सदगुरु ले ले, जो चीज है सब सतगुरु की है। हाँ हाँ जी, गुरु मिलिए खसम पछाणिए, कहो नानक मुख द्वार। जितने ख्याल निकाले तो सतगुरु मिल जाए, छुटकारा हो जाए, मुक्ति हो जाए, जन्म के बंध छूट जाए। हाँ गुरु मिलिए, चौरासी से निकलने का और कोई नहीं, अगर हाथ से निकल गया फिर चौरासी तैयार है इसके लिए। हाँ हाँ जी, रास्ते नहीं पड़ता और तो और। हाँ जी, गुरु थोड़ा भी करे जमदूत नजदीक नहीं आते, काल नजदीक नहीं आते। हाँ जी, कर्म सुनो भाई, एक बात खास, जो आता है बीमारी है, कोई कोई बच्चे को ले आता है भाई, ये सबको भुगतने पड़ते हैं। जो देह से कर्म किए हैं सबने भुगतने हैं, ये भुगतने पड़ते हैं सबको। अपना सिमरन करो, ये भुगतो, दवाइयाँ करो और इधर उधर ना हो। अभी 5-7 दिन हुए, वो डेंग में था एक प्रेमी, उसका लड़का आया, कहता मेरा बाप 5 साल बीमार है, बुरी हालत है, अब आराम से गया है, ऐके गया है, खुशी खुशी गया है, चेहरा पहले से अच्छा था। ये निशानी है, कर्म भी करने पड़ते हैं। हाँ 5 साल देख लो, घबरा जाते हैं ऐसे। हाँ जी, कर्म काटने पड़ते सबको, दुख सुख आप ही पैदा किए हैं, आप ही भोगने पड़ेंगे सबको। हाँ जी, गरीबी अमीरी आनी है कर्मों के हिसाब से, जो प्रलब्ध कर्म किए हैं उसके मुताबिक सबको दुख सुख अमीरी गरीबी है। हाँ जी, बस या तो तन के दुखों के लिए आते हैं या माया के लिए आते हैं, बस इसी झंझट में पड़े हैं। फिर आते हैं, मैं दुकान कैसे खोलूं, किस दिन खोलूं, सब वहम पड़े हुए हैं सबके अंदर। सदगुरु का आसर रख के काम करते जाओ, सिमरन करते जाओ, अपने आप सब कम होता जाता है। हाँ किसी वहम की जरूरत ही नहीं। हाँ जी, हाँ गुर मिलिए खसम पछाणिए, कौ नानक मुख द्वार, कौ नानक मुख द्वार, जग फाथा महाजाल बाबा, जग फाथा महाजाल, गुरु पार सादी ओ बरे, सच्चा नाम समाल, सच्चा नाम समाल, जग फाथा महाजाल बाबा, जग फाथा महाजाल। दिन पर रात गर्मी 3 बजे शाम में जाना, रात में 1-2 बजे आना, बस आई गया गर्मी का मौसम। हाँ छोटे जाओ, हाँ वक्त जाता है, वक्त जाता पे भाई, कर लो क्या पता कि वे की है, दम का भरोसा है। धन धन सतगुरु तेरा याद, जो दम आवे ना आवे। हाँ वक्त गुजरता, बोल बोल बोल। हाँ ये
वक्त गुजरदा जांदा है, ए वक्त गुजरदा जांदा है, हर एक नू सदा सुहांदा है, हर एक नू सदा सुहांदा है, पर लखां विचों कोई वीला मुन वक्त दा पांदा है, ए वक्त गुजरदा जांदा है, हर एक नू सदा सुहांदा है। श्वास श्वास की कदर करो, याद रखो कीमती श्वास है, एक एक श्वास ही 73 लोग की जितनी है। कभी सर ने कहा है, कहता हूँ कह जात हूँ कब जाऊँ ढोर श्वासा खाली जाता तीन लोग का मोर। इसी कदर करो, ऐसे बर्बाद ना करो, जितना टाइम निकले निकालो, बस काम करते लगे रहो। हाँ, ये कर्म भुगतने पड़ते हैं, कर्मों का ख्याल ना करो। जितने कर्म कट जाएंगे उतनी जल्दी जाओगे, नहीं तो फिर जन्म लेने पड़ते हैं। दे लो छोटे छोटे बच्चे कर्मों के हिसाब से हैं, अब उनकी भर्ती पूरी होगी। माँ बाप को समझाते हैं, देख लो वो तो कितने भैया, ये ना गुरुसेवक है, गुरुसेवक है गंगानगर वाला। हाँ, देख लो इसकी भतीजी है छोटी सी, 3 साल की होगी अब मुश्किल से, देख लो। कहते उठो भाई, रोटियां खा के सो जाते हो, भजन नहीं करना, 3 बजे उठाती है सबको, 3 साल की देख लो। अजीब बात सुनाई उसने कही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किसनु वक्त बनावे राजा, खाने पीने पे भी संजीव रखो, हिसाब ना हिसाब से करो काम। फिर बार बार उठते हैं, उसी से दूसरा उठता है, देख लो ये यहाँ तो थोड़ी ही संगत उठती है, फिर भी हिसाब से खाओ पियो ताकि उठने में पड़े सत्संग पूरी तरह सुनो। हाँ, किसनु वक्त बनावे राजा, किसनु दर दर रोले जी, वक्त किसे दे पैरी पैंदा। जो विषय को कर्म खराब कर गए वो चौरासी दिन धक्के खाते हैं, जो भजन करके छुटकारा कर गए वो हमेशा सुख हासिल कर गए। हाँ, हाँ जी। किसनु वक्त बनावे राजा, किसनु दर दर रोले